बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो आज जिस जॉब की मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पंजाब पुलिस की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त जो है असामियों का ऐलान किया गया है, जहाँ पर जो है पूरे पंजाब से मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है असामियों का ऐलान किया गया है। स्पेशल तौर पर अब जो है जितना भी डाटा है, जो भी रिकॉर्ड है पुलिस का, उसको कंप्यूटराइज करने के लिए जो स्पेशल भर्तियों का जो है इंतज़ाम किया गया है, जिसके लिए जॉब जो अनाउंस की गई है। और सब ज़िलों के लिए, सब शहरों के लिए, पंजाब के जो है तमाम शहरों के लिए जो है वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करती हूँ। जॉब लोकेशन की बात करें तो पंजाब है, पोस्टिंग डेट इसकी 23 सितंबर है, जबकि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर है। दुनिया न्यूज़पेपर में इसका ऐड आया है। ऑर्गेनाइजेशन पंजाब पुलिस है। जॉब टाइप की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब है, और 18 से 25 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन भी है जनरल, जिसकी वजह से जो है 18 से 30 साल तक के लोग जो है मैक्सिमम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। इंटर की बेस पर ईजीली जो है इंटर की बेस पर जिन्होंने ICS किया है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और उर्दू टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर इसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से थाना की सतह पर मस्बत तब्दीली, अवामी शिकायत के लिए पंजाब में एक कंप्यूटराइज जो है प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी कामयाबी को देखते हुए इस प्रोग्राम को जो है अब दायराकार बढ़ाया जा रहा है। इस बुनियाद के लिए उन्होंने जो है थानों में अवामी खिदमत के लिए जो है पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना है। और जो है पंजाब पुलिस वाले जो भी है आने वाले उस शहरी की शिकायत का जो है अजाला करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जो है एडवर्टीजमेंट है ऑफिशियल पंजाब पुलिस की तरफ से। यहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल शामिल है कि यहाँ पर किस किस शहर के लिए, किस ज़िले के लिए कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाहौर है, उसके लिए 162 जो है टोटल सीट्स हैं, और 125 जो है यहाँ पर ओपन मेरिट की हैं। 24 जो है यहाँ पर वुमेन कोटा के लिए सीट है। अगर हम माइनॉरिटी कोटा की बात करें तो माइनॉरिटी कोटा के लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं, और यहाँ पर जो है डिसेबल कोटा के लिए 5 सीटें हैं। तो ये जो है पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है। और अगर हम यहाँ पर सीनियर स्टेशन जो असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पर उनके लिए जो है टोटल पोस्ट 24 है। 18 जो है यहाँ पर ओपन मेरिट की हैं, 4 जो है फीमेल के लिए, 1 माइनॉरिटी के लिए और 1 डिसेबल के लिए। तो यहाँ पर जो दोनों कॉलम बने हैं ये अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए, और फिर सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर रावलपिंडी है, यहाँ पर उसकी 44 सीट्स हैं, 34 जो है ओपन के लिए हैं, 7 फीमेल के लिए, 2 जो है यहाँ माइनॉरिटी कोटा की है, 1 जो है यहाँ पर डिसेबल कोटा की है। और इसी तरह जो सेकंड कैटेगरी में सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर 10 जो है टोटल सीट है, यहाँ पर जो 8 है वो ओपन मेरिट की है, 2 जो है फीमेल के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर झेलम है, 5 जो है इसकी टोटल सीटें हैं, 4 जो है ओपन मेरिट की हैं, 1 जो है वुमेन कोटा के लिए, और यहाँ पर 1 इसकी जो है टोटल सीट है जो कि ओपन मेरिट की है। चकवाल के लिए यहाँ पर 8 हैं, 6 जो है यहाँ पर ओपन मेरिट के हैं, वुमेन कोटा की 1 सीट है, और यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा की भी 1 सीट है। यहाँ पर एक जो है टोटल सीट है और वही ओपन मेरिट की है। नेक्स्ट यहाँ पर सरगोधा है, उसकी 23 सीट जो है यहाँ पर टोटल सीटें हैं, 18 उनमें से जो है ओपन मेरिट की हैं, 3 वुमेन कोटा के लिए, 1 जो है यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा के लिए और 1 डिसेबल। और यहाँ पर जो है 4 उसकी टोटल सीटें हैं, जिसमें से 3 जो है ओपन मेरिट के लिए हैं और जो 1 है वो वुमेन कोटा के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर भक्कर है, उसकी टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें से 8 जो ओपन मेरिट की हैं, जो 2 है वो वुमेन कोटा की, 1 डिसेबल और 1 माइनॉरिटी कोटा की। और इस साइड पर इसकी जो है टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें से जो 3 है वो ओपन मेरिट के और 1 वुमेन कोटा की है। नेक्स्ट यहाँ पर खुशाब है, जिसकी टोटल 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 ओपन मेरिट की हैं और 1 वुमेन कोटा की है।
और यहाँ पर एक ही जो है सीट है जो कि ओपन मेरिट की है, मियाँ वाली है, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, ये कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। इस एडवर्टीजमेंट का जो लिंक है वो भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, वहां से आप जो है डिटेल में देख सकते हैं कि आपके जिला के लिए, आपके शहर के लिए या वुमेन कोटा की या ओपन कोटा की कितनी सीटें और आप किस सीट में जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये तमाम जो है तरीकाकार है वो आप यहाँ पर खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है दरख्वास्त देने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, करना चाहता है, उन्होंने क्या करना है, CTS कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस, यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जाकर जो है उधर से जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेकर अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको इधर लिंक नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में डाउनलोड ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगी तो आपके सामने जो है CTS की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंजाब पुलिस की जो है वेबसाइट पर यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना चाहते हैं सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए तो यहाँ पर आप क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सीनियर स्टेशन असिस्टेंट का जो है फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे ओपन करेंगे, मैं कंप्लीट जो है इसका तरीकाकार भी शेयर करूँगी आपके साथ कि आपने इसे किस तरह से फिल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी एक अदद पिक्चर आएगी, पासपोर्ट साइज जो कि आपने ग्लू के साथ यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रांच नेम, कोड और डिपॉजिट। तो सबसे पहले जो है नीचे आपको इसी के एक अदद जो है चलान फॉर्म नजर आएगा, आपने वो फिल करना है और यहाँ से उसकी जो डिटेल्स वहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर ब्रांच नेम आएगा, यहाँ पर ब्रांच कोड आएगा, यहाँ पर जिस डेट में आप जो है डिपॉजिट करवा रहे हैं। दो बैंक हैं, आप MCB बैंक में अपने करीबी जमा करवा सकते हैं या बैंक अल इस्लामी पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं। जिसमें भी जमा करवाएंगे उसी जो है खाने को आप टिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो है टोटल जो इसकी अमाउंट है 120 का जो है आपको चलान पे करना है पर सीट के लिए, जिस सीट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप असिस्टेंट के लिए करना चाहते हैं या सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये चलान फी पे करनी होगी। यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम आएगा, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर CNIC और यहाँ पर जो है पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर उसके सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पर जो है आपने इसको जो है सबमिट करवा देना है अपने करीबी, या तो आप MCB बैंक में जमा करवा सकते हैं, बैंक अल इस्लामी में जमा करवाने के बाद वहाँ पर ये जो है चलान पे कर देना है। पे करने के बाद आपने जो है यहाँ पर आ जाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले ब्रांच का नेम और कोड मेंशन करना है और जिस डेट को आपने जो है चलान डिपॉजिट करवाया था, जमा करवाया था, यहाँ पर वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कंप्लीट नेम आएगा, फादर नेम, यहाँ पर आपका CNIC, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पर जेंडर, मेल, फीमेल, रिलीजन, मुस्लिम, एबल, डिसेबल, जो भी है यहाँ पर आप ये क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है यस, नहीं तो नहीं। यहाँ पर आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपका सिटी का नेम और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो भी है यहाँ पर आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आप किस कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओपन मेरिट के लिए, फीमेल के लिए, माइनॉरिटी के लिए, डिसेबल के लिए, तो यहाँ पर जिसमें भी आप क्लिक करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप ओपन मेरिट पर भी टिक करेंगे और फीमेल जो है कोटा उस पर भी आप टिक करेंगी। और यहाँ पर आप जिस सिटी में जो है से अप्लाई करना चाहते हैं, जिस सिटी से हैं, जिला से में टेस्ट देना चाहते हैं, वहाँ से आप जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चूज करनी है। यहाँ पर अटक है, डीजी खान, जहलम, लोधरा, नारोवाल, साहिवाल, बहावल नगर, फैसलाबाद, कसूर, यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस जिले से, जिस सिटी से आपका ताल्लुक है आप उसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके एजुकेशनल जो है सर्टिफिकेट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक के आपने डिग्री, यहाँ पर आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, कितने नंबर लिए, टोटल मार्क्स कितने थे, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किया, और उसके बाद ICS का यहाँ पर जो भी है आपने अपनी डिग्री का टाइटल, उसके अलावा मेजर सब्जेक्ट्स सब यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बैचलर, मास्टर या इसके अलावा। लेकिन जो मिनिमम इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पहले से कहीं जॉब का एक्सपीरियंस रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका CNIC नंबर आएगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे। फिर यहाँ पर आपका प्रोफेशनल जो भी क्वालिफिकेशन के अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास,
कोई तो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर आपका नेम आएगा और आपके यहाँ पर डॉटर ऑफ सन ऑफ आपके फादर का नेम यहाँ पर मेंशन आएगा, यहाँ आपके गार्डियन का नेम यहाँ पर होगा, इसके अलावा यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर, यहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन आएगा और यहाँ पर आपने जो अपनी सेकेंड पिक्चर भी पोस्ट कर देनी है, यहाँ पर ग्लू के साथ पेस्ट कर देनी है। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसके साथ जो है जो कंप्लीट फॉर्म जो है आपने फिल कर लेना है तो उसके साथ आपने क्या अटैच करना है। उसके साथ जो है आपने अपनी टू रिसेंट पासपोर्ट साइज इमेजेस, अपनी CNIC कॉपी और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, CTS की जो ओरिजिनल बैंक चलान डिपॉजिट है वो आपने जो है उसके साथ जो है अटैच करनी है और उसके बाद उसे सेंड कहाँ कर देना है। इन सबको आपने एक एनवेलप में डालना है और आपने सेंड करना है MS कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 6, सेकंड फ्लोर, यूनाइटेड प्लाजा 96E, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। यहाँ पर जो है आपने इसे जो है सेंड कर देना है पोस्ट के थ्रू। तो इस तरह से जो है पंजाब पब्लिक सर्विस में जो जॉब्स आई हैं उनके लिए आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट और डिटेल वीडियो के पंजाब पुलिस में जो जॉब्स आई हैं उसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर की। मजीद इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब वर्ल्ड के मेंबर बने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।